दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल 2023 से लेकर 2025 तक का पहला असाइनमेंट भारतीय टीम का है वेस्टइंडीज दौरा, यानी कि पहले दो टेस्ट मैचेस खेलेगी भारतीय टीम वर्सेस वेस्टइंडीज। और खास बात यह है कि रोहित शर्मा अब जो है अपने रंग में आ जाएंगे, यानी कि अब उनकी फॉर्म वापस लौट जाएगी। पर आप सब सोच रहे होंगे कि कैसे, उन्होंने तो पिछले कुछ दिनों में छुट्टियां बिताई हैं, हॉलीडे पर गए हुए थे रोहित शर्मा और डायरेक्ट वहां से बारबाडोस पहुंचे, यानी कि विराट कोहली भी अब यहां पर वो टीम के साथ जुड़ गए हैं बारबाडोस में। और आपने इमेजेस भी देखे होंगे वॉलीबॉल खेलते हुए, राहुल द्रविड़, ईशान किशन और बाकी अन्य क्रिकेटर्स जो साथ में टीम के गए हैं, अक्षर पटेल वगैरह, ये सब रोहित शर्मा भी हैं। पर लेकिन रोहित शर्मा ने ऐसा टोटका अपनाया है, यानी कि पहले भी ऐसा टोटका वो अपना चुके हैं जब उन्होंने जो है डबल सेंचुरी लगा दी थी 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे वो कौन सा टोटका है, मैं आगे बताऊंगा, इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि जो 6 जुलाई को टीम इंडिया पहला अपना जो प्रैक्टिस मैच कह लीजिए या वार्म अप मैच खेलेगी वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट खेलने से पहले, ताकि लय में आ जाए सबके सब प्लेयर्स। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा विराट का फॉर्म कैसा रहता है, विराट का चलना बहुत जरूरी, क्योंकि ये जो WTC साइकिल है 2023 से 25 का ये पहला असाइनमेंट है, तो आपको शुरुआत से ही लय में आना बहुत जरूरी है, ताकि जो हम गलतियां करते आए हैं लगातार WTC फाइनल 2023 में या उससे पहले वाले फाइनल में वो ना हो। तो बल्ला चलता रहना जरूरी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो टेस्ट असाइनमेंट है आने वाले साल में वो बढ़ जाएंगे, यानी कि टेस्ट और T20s बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेन फोकस रहेगा रोहित और विराट का टेस्ट और वनडेज पर, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनका चलना जो है बहुत ज़रूरी है, इनका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब बात करते हैं उस टोटके की जो रोहित शर्मा जो है अपना चुके हैं, पहले ही अपना चुके हैं, यानी कि प्रैक्टिस मैच शुरू होने से पहले ही, यानी कि 6 जुलाई प्रैक्टिस मैच होगा उससे पहले ही अपना चुके हैं, और जो टेस्ट मैच शुरू होगा, जब जो असली टेस्ट मैच शुरू होगा और उससे पहले ही रोहित शर्मा यहाँ पर अपना चुके हैं। 12 जुलाई को पहला टेस्ट होगा, तो वो टोटका ये है कि रोहित शर्मा हो चुके हैं क्लीन शेव, यानी कि अभी तक तो रोहित शर्मा ने दाढ़ी रखी हुई थी, अब उन्होंने पूरी की पूरी जो दाढ़ी है वो साफ कर ली है, यानी कि क्लीन शेव हो चुके हैं। यानी कि अगर आपको बात बताऊं 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब साउथ अफ्रीका भारत आई थी टेस्ट मैच खेलने, तब रोहित शर्मा ने क्लीन शेव हुए थे, यानी कि वो एक नया लुक उन्होंने अपनाया था क्लीन शेव होने का, तब उन्होंने 212 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, यानी कि डबल सेंचुरी बनाई थी। तो क्या रोहित शर्मा का माइंडसेट उसी तरफ चला गया है कि क्योंकि रन्स नहीं आ रहे हैं, स्टार्ट मिल रहा है लेकिन रन्स नहीं बन पा रहे, क्या रोहित शर्मा सुपरस्टिशंस के जो है शिकार हो गए कि मतलब अब उस टोटके पर जा रहे जहाँ पर उन्होंने रन्स बनाए थे कि मतलब क्लीन शेव हो जाऊँ क्या पता रन बन जाए। और क्रिकेटर्स अमूमन ये सब करते हैं, मतलब कि सुपरस्टिशियस हो जाते हैं कई बार, कि मतलब आप देख लीजिए जैसे कि वीरेंद्र सहवाग का बयान आया था 2011 में, MS धोनी ने सिर्फ खिचड़ी खाकर पूरा का पूरा टूर्नामेंट निकाला था, तो एक भी सुपरस्टिशन है, अगर खिचड़ी नहीं खाऊंगा तो मैं जो है अपनी टीम हमारी हार जाएगी या जो मर्जी में मेरी बल्लेबाजी ठीक नहीं होगी, ये सब मन के वहम होते हैं। खैर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर रोहित शर्मा ने नया लुक अपनाया, और ये लुक कहाँ पर दिखा, यानी कि कहाँ पर वायरल हुआ, जब टीम इंडिया के यहाँ पर जो भी पहुँचे हैं बारबाडोस और वहाँ पे जो है वॉलीबॉल खेल रहे थे सबके सब प्लेयर्स, और रोहित शर्मा की तस्वीर सामने आई वहाँ पर, वो क्लीन शेव का अपना नया लुक अपनाया हुआ है उन्होंने और अच्छे तो लग ही रहे हैं। लेकिन क्या 2019 की तरह वो इतिहास रिपीट करेंगे, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ लय में आएंगे, बड़े स्कोर करेंगे, यानी कि वो जो पुराना जो रोहित शर्मा का दौर चल रहा था कि स्टार्ट मिल रहा था लेकिन बड़ा स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्या ऐसा होगा, आपकी क्या राय इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में